हाय, मैं हूं रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। मैं सच में तल दान के इस राष्ट्रीय पार्क को बहुत पसंद करता हूँ। ये दान नदी के ऊपर है। बाइबिल को पढ़ने के बाद ये सोचकर थोड़ी उलझन होती है कि आखिर ये दान नदी गोलान की ऊंचाई की उत्तरी दिशा से क्यों आती है। वो क्षेत्र जो दानियों के गोत्र को दिया गया था, वो दरअसल तल अवीव का क्षेत्र है, जिसे हम गुशदान कहते हैं, यानी दान का क्षेत्र। तो अगर दान तल अवीव में है, तो इस राष्ट्रीय पार्क में इस नदी का नाम दान क्यों है? इसमें गूगल मैप की गड़बड़ी के अलावा भी कुछ है, जिस कारण से दान यहाँ बस गया। इसके लिए शब्द इनसेडो इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ है उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा से कम लेना पसंद किया। आइए पहले दान नदी की बात करते हैं। ये यर्दन नदी में मिलने वाली तीन बड़ी नदियों में से एक है। हरमोन पर्वत से पिघलती हुई बर्फ और ना रुकने वाले जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी के सोते, पर्वत की बर्फ और यही छुपे हुए सोते तेल दान नदी की प्राकृतिक शुरुआत बन जाते हैं, जो बाद में दान नदी का रूप ले लेते हैं। अब पानी जीवन है। हमारे कई एपिसोड्स में, चाहे वो गलील का सागर हो या यरूशलेम का गिहोन का सोता हो जो इन नदी में है, हम देखते हैं कि ये पानी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। तो अगर आपको यहाँ बसना है तो तेल दान बहुत अच्छी जगह होगी। ट्राउट मछली यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वास्तव में मैं और इलाना अक्सर यहाँ आते हैं और नदी के किनारे इस खूबसूरत रेस्तरा में जी भर के खाते हैं, जिसका नाम है डग अलेडान, जिसका अर्थ है दान नदी की मछलियाँ। पर दानियों को दक्षिण में बसना था, याफा के किनारे तटीय क्षेत्र में। यहोशु ने उन्हें वही क्षेत्र दिया था। वहाँ उन्हें हमेशा इमोरियों से लड़ना पड़ता था, जो नहीं चाहते थे कि वो उस तटीय क्षेत्र में रहें। हम बाद में न्यायियों में पढ़ते हैं कि उन्होंने गुश दान को छोड़ दिया और उत्तरी दिशा की ओर बढ़ गए। बाइबल में लिखा है उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, तो दान के गोत्र के लोग लैश नगर को आए और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने लग गए और लैश का नाम बदल कर अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा। एक बार फिर न केवल उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया, बल्कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के साथ अपने संबंध को खराब कर लिया। न्यायियों में इस तरह से लिखा है, दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और देश की बंधुवाई के समय वो योनातान, जो गेरशोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। उन्होंने मूरत की एवज में इसराइल के परमेश्वर को पूरी तरह ताज दिया, जबकि वाचा का संदूक अभी भी शीलो में ही था, जिसे हम इसराइल में अभी सामरिया या वेस्ट बैंक कहते हैं। दरअसल न्यायियों में लिखा है कि उन्होंने मीका के बुत या मूरत चोरी किए और उन्होंने एक भटके हुए लेवी को अपना याजक बना लिया। यही वो खास कारण है जिसकी वजह से बाइबल के विद्वान विश्वास करते हैं कि इसलिए ही दान का गोत्र प्रकाशित वाक्य 14 के अनुसार अलग कर दिया गया। वो उन्हें 144,000 में शामिल नहीं करते। आपको दान से लेकर बर्शेवा तक की कहानी याद होगी। ये बाइबल में न्यायियों के 20 अध्याय में से है और ये किस्सा पूरे इसराइल से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि इसराइल में आज भी हम उस बात को याद करते हैं, पर दान के लिए कभी भी उचित नहीं था कि वो उत्तरी भाग पर चढ़ाई करे। इस तरह दान मूर्ति पूजक बन गया। तो हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञा से कभी मुंह ना मोड़े और ना ही उसके विरुद्ध समझौता करें। अगर परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है तो उसे थामे रहें और उसके लिए प्रार्थना करते रहें। हो सकता है इमोरियों के समान कुछ लोग आपकी भी मुखालफत करें, पर इस वजह से समझौता ना करें। क्या दाऊद 10 वर्षों से भी अधिक एक दुष्टात्मा ग्रसित राजा से बचता ना रहा? और क्या वो राजा ना बना? यूसुफ दासत्व में रहा, वो कैदी बना रहा, जब तक कि उसने अपनी सच्ची बुलाहट को पा ना लिया। दोस्तों, मैं अपने तजर्बे से कहूँगा, मैं समझ सकता हूँ जब दिल में ख्वाब हो और रास्ते में बहुत अड़चने हो। दानियों के समान मूर्खता ना करें। मैंने देखा है परमेश्वर अड़चनों को दूर करता है कि वो मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा हो जाने दे। उत्साहित हो जाएं और God.TV पर जरूर जाएं कि किसी भी एपिसोड से ना चूकें और मुझसे संपर्क करें RonCantor.com पर।
रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ जैन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए god.tv/Zion पर जाएं।